भिलाई इस्पात संयंत्र में 6 माह से बंद पड़ी ब्लास्ट फर्नेस 7 में बुधवार को मरम्मत के दौरान अचानक आग लगने से 2 ठेका श्रमिक बुरी तरह झुलस गए थे। इसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं दूसरे मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। मृत ठेका श्रमिक का शव गुरुवार को हिंदुस्तान ठेका श्रमिक यूनियन सीटू समाज सेवी अरुण सिसोदिया एवं परिजनों ने लेने से इनकार करते हुए अनुकंपा नियुक्ति की मांग की, जिस पर बीएसपी प्रबंधन ने मृतक की पत्नी श्रीमती रमा उपाध्याय के नाम नियुक्ति पत्र सौंप दिया और पात्र उम्मीदवार को जांच पश्चात अनुकंपा नियुक्ति अवश्य दिए जाने का लिखित आश्वासन दिया। साथ ही 1 लाख रुपए नगद एवं 2 लाख रुपए का चेक भी दिया। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन भुगतान पर भी सहमति बनी। पूरे मामले की जानकारी समाज सेवी ने न्यूज टीम को दी है। रात को ज्यादा घुमाइए मत, जो मेन बात है आप क्या दे सकते हो वो बता दीजिए बस। पूरा परिवार आज रोड में आ गया है, बच्चे छोटे छोटे, तो आपके तरफ से इंसानियत में आते हैं क्या? अपन मुआवजा दे सकते हैं बेहतर, वो बात कहिए बस। नमस्कार। उनको तनख्वाह देते हैं, लाभ मिलता है, और उसके बाद अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, कुछ घटना दुर्घटना होती है, कोई मृत्यु होती है, तो उस परिस्थिति में ठेकेदार के द्वारा मुआवजा 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो एक उसका परिवार और जो यूनियन के और जो उनके समूह के लोग जो सुनते हैं समझते हैं उसके अनुसार तय किया जाता है। अब आप इस विषय में बताओ, ESI हमको मालूम है उसकी पेमेंट अगर 10,000 थी तो वही पैसा 5 आदमी बढ़ जाएगा जी। वो इंडिविजुअल को ये नहीं कि उसको भी 9 देगा, उसको भी 9 देगा, वो सब नहीं होगा।